आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी मिली। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब टाटा और पावर चिप ताइवान द्वारा स्थापित किया जाएगा, जिसका प्लांट धोलेरा में होगा। सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल किया है देश में। सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल देश के लिए बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है ये, और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उस संकल्प की बहुत बड़ी ये सिद्धि है। पहली कॉमर्शियल फैब भारत की बनेगी टाटा और पावर चिप ताइवान, इनके कलेबरेशन से धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बनेगी पहली सेमीकंडक्टर फैब। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ, वेफर यानि एक ये वेफर है राइट, तो एक वेफर ऐसे 50,000 वेफर्स पर मंथ इस फैब में बनेंगे। एक वेफर के अंदर रफली 5,000 चिप होती है, ये एक चिप है, छोटी है, ये एक चिप है राइट, तो एक वेफर के अंदर 5,000 ऐसी छोटी चिप्स होती हैं। तो प्रैक्टिकली इस प्लांट से साल की 300 करोड़ चिप्स बनेंगी। इस प्लांट से वो एक वर्ष में एनुअली 300 करोड़ चिप्स बनेंगी। ये चिप्स प्रैक्टिकली 8 सेक्टर्स को कवर करेगी, 8 सेक्टर्स को केटर करेगी। हाई पावर कंप्यूट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में ये चिप्स लगेंगी। बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ इन चिप्स का निर्माण किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा।